साहिबगंज में देश के संविधान के निर्माता और संविधान में अमूल्य योगदान देने वाले संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर साहिबगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशाल यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई नगर परिषद स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ये यात्रा समाप्त हुई। इस मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ नगर परिषद द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीसी रामनिवास यादव शामिल रहे। सबसे पहले डीसी रामनिवास यादव, डीडीसी प्रभात बर्दियार, सीएस डॉक्टर रामदेव पासवान, डीएस डॉक्टर मोहन पासवान ने बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि अंबेडकर जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी के आज जन्म दिवस पे लोगों ने सभी ने यहाँ माल्यार्पण किया है। बाबा साहब का योगदान इस भारत देश के लिए बहुत बड़ा है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसी के यही संदेश आप देना चाहते हैं कि जो उनका सोच था, जैसे आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का उन्होंने स्पेसिफिकली रखा गया था, आज उसको प्रफुल्लित होते देखते हैं। सभी समाज एक साथ मिलकर रहते हैं, उन्हें उनकी आज जन्म दिवस पे मैं जिलेवासियों को शुभकामना देता हूं और उनके आदर्शों पे चलने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू।